হে গাইস ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ আর নমস্কার, কেমন আছো সবাই? हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने 25 एनिवर्सरी मनाई थी सिल्वर जुबली। तो कई सालों से मेरा अरमान था कि मैं अपना 25 एनिवर्सरी मनाऊँ, तो एकदम से आ गया। मुझे पता भी नहीं था कि इस साल मेरा 25 एनिवर्सरी थी। तो हस्बैंड ये मना कर रहे थे कि इस साल मत करो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं मनाऊँगी। सो मैं आप लोगों के साथ में कुछ लवली मोमेंट को शेयर करना चाहती हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो फाइनल लास्ट में मेरे हस्बैंड जी भी मान गए, और आपको सभी को पता है कि हस्बैंड लोग लास्ट में मान ही जाते हैं, पत्नी के आगे बस उनका वश नहीं चलता। सो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगता है वैसे कर ले। सो मेरा जो जो अरमान था वो मैंने सब पूरा किया अपनी एनिवर्सरी में। सो मुझे एक वेडिंग शूट करानी थी, तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गई, जो कि मेरा बेटा कैमरा मैन है और एडिटर भी है। तो हम साथ में चल दिए, चार गाड़ी उठाई हमने, आठ जने चल दिए, और हमने सीधा लोकेशन जो हमारा फर्स्ट था वो था बैराज। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। बैराज तो गए एक दो बार घूमने के लिए, लेकिन ये वाला जो लोकेशन है ये पहली बार देखा मैंने। ये बैराज का पानी रुका हुआ ना यहाँ से? अच्छा, इस जगह डकनवट हो जा रहा है। हाँ, ये सीधे गंगा जी निकल जा रहा है। ये गंगा जी निकल जा रही इधर से। तो अभी ये लोग पहुँचे भी नहीं, और पहले से देखो कोल्ड ड्रिंक पीना भी स्टार्ट कर दिया। इतनी गर्मी लगी तुम लोगों को? स्कूटी में आए तब? अरे स्कूटी में आए तब, शुक्र करो आप लोग पैदल नहीं आए हो। तो बैराज में शूट करने के बाद हम एक कैफ़े में पहुंचे, तो वहां पे अमित हमें सीन समझा रहा था और मेरा बेटा जो है शूट कर रहा था, तो फीलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर फाइनल कैफ़े में शूट करने के बाद हम पहुंचे सीधा जानकी पुल, क्योंकि हमें सनसेट का वीडियो शूट करना था। तो क्यों, हमें रामझूला जाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। सो बेटे ने बोला कि यहाँ का जो पॉइंट है वो भी बहुत बढ़िया है, तो बस हम सब लोग चल दिए जल्दी जल्दी। ड्रेस चेंज किया मैंने और थोड़े से बालों को चेंज किया, उसके बाद पहुँचे हम अपने लोकेशन पर। तो शूट जो यहाँ पे फाइनल कंप्लीट हो चुका है, और आप मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जा सकते हैं पोस्ट वेडिंग शूट, और इसमें मैंने छोटी क्लिप ही दिखाई, बाकी आप उसमें देख सकते। तो फाइनल आ गया 17 तारीख। 17 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम था मेहंदी का, तो उस दिन मैंने टेंट लगवाना स्टार्ट कर दिया था। और इधर चल रही है अभी तैयारी, जो स्टेज वगैरह पूरा बन रहा है, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ये पूरा स्टेज बना है, बाकी डेकोरेट का सामान भी रखा है यहाँ पर। इसके बाद रात को था मेहंदी का प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले बेटा दो फोटो बना के लेके आ गया था, तो पहले मुझे बुलवाया, बोला मम्मी पहले अनबॉक्सिंग कर लो इसकी, जो आप वीडियो बनाते हो उसके लिए क्लिप हो जाएगी। फोटो जो है बहुत सुंदर थी, और रात को जो है मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम। सो फाइनल मेहंदी लगना हो गया था स्टार्ट, और दूल्हे के भी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। तो दूल्हे के लगा रहे थे पीहू, और इसके बाद जो है दूल्हे की मेहंदी लगने के बाद, और चलते हैं आपको दिखाते हैं डांस प्रोग्राम। जो मेरी भतीजी आई थी तो उन्होंने इतना अच्छा समा बांध दिया मेरे प्रोग्राम में, तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम। यो सो मेहंदी लगने के बाद आता है दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम वो होता है जो खाना खाने का। तो काफ़ी देर हो चुका था, सबने खूब मस्तीबाजी करी। मस्तीबाजी करने के बाद फिर खाना खाना स्टार्ट करा। कोई टेबल पे बैठ के खा रहे, कोई नीचे खा रहे, क्योंकि जैसे जिसको जो जगह बन रही थी वैसा खाना खा रहे थे। तो अब आता है फोटो सेशन। सो
आप फोटो ले लेते अपनी फ्रेंड के साथ में, और हमने खूब मस्ती करी, सब लोगों ने खूब मस्ती करी, क्योंकि हम पूरे फैमिली वाले थे, तो फैमिली वाले जहाँ होते हैं तो मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो लास्ट हमारी फैमिली अब खाना खा रही है, और खाना खाने के बाद हम करेंगे रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा है एनिवर्सरी पार्टी। तो फाइनल सब लोग सोने के लिए चल दिए, और हम सब गपशप कर रहे थे, तो मिलते हैं अगले दिन सुबह। अगले दिन सुबह जब उठे हम, तो हमारी भाभी जी रात को मेहंदी नहीं लगाई थी, तो वो मेहंदी लगा रही थी फाइनल, और जिस जिसने मेहंदी नहीं लगाई तो उनका मेहंदी चल रहा था। तो अब मैं चलती हूँ, बाहर हलवाई आ गया, तो हलवाई को भी मुझे देखना है कि वो क्या क्या बना रहे हैं, और उनको कोई चीज़ ज़रूरत है तो मुझे वो देख। बस खाना यहाँ बन रहा है ऊपर, क्योंकि यहीं से जो है छत पर चला जाएगा। सो फाइनल मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्टी के लिए। फोटो सेशन चल रहा था कि साथ साथ हमने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो जल्दी खाना चाहेगा वो खाना खा लेंगे, और खाना भी खाते रहेंगे, उसके बाद फ़ोटो भी सेशन भी चलता रहेगा। मेहमान आ ही रहे थे, उसके बाद हम फ़ोटो ले रहे थे। फ़ोटो इसलिए लिया जाता है क्योंकि यादगार के लिए लिया जाता है, वो हम आगे देख सकें। इसके बाद आती है मेरी मित्र मंडली। सो मेरी मित्र मंडली आते ही जो है एकदम समा बंध गया। अब आते हैं खाना खाने की बारी। तो अब लोग सब लोग खाना खाने लगे, तो खाना लेके सब लोग जिसको जहाँ जो जगह मिल रही थी वो बैठ गए हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, और मैंने एक आधा फ़ोटो ली। उसके बाद मेरे भाई की आती है। सबके गिफ्ट देने के बाद इसके बाद आते हैं मेरे भैया भाभी की बारी। तो मेरे भाई लाए थे मेरे हस्बैंड जी के लिए चांदी की चेन और सोने की लॉकेट, और मेरी भाभी मेरे लिए लाई थी एंकल वाली पाजेब चांदी की। सो मैंने भैया भाभी को थैंक यू बोला, और भाभी के गले लग के भाभी को भी थैंक यू बोला। सो मेरी भाभी भी है और मेरी बचपन की सहेली भी है। इसके बाद मैंने अपनी दीदी को भी थैंक यू बोला, क्योंकि मेरी दीदी गाँव से आई थी, मैंने उसको फ़ोन किया, और मेरे लिए वो आ गई इतनी बीमार होने के बाद भी। सो काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई हमने सबके साथ। इसके बाद मेरी फ्रेंड आई, उसके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो खिंचवाने के बाद आता है जयमाला की बारी। सो जयमाला जो हम भूल गए थे, तो हमें बाद में याद आया कि जयमाला भी है हमारा। तो जयमाला के बाद हमने पूरे परिवार के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई, और हमारी बेटी भी हमारे लिए कपल वॉच लेके आई थी। और उसके बाद मेरे मित्रों ने मुझे गले लग के बधाई दिया, और मित्रों ने खूब डांस किया। सो मित्रों ने खूब डांस किया, मित्रों के डांस करने के बाद उसके बाद हमने फैमिली वाले के साथ भी डांस किया। फिर सब ने खाना खुना खाया, और आज की पार्टी को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले दिन। सो हम पहुँचे अगले दिन, और अगले दिन हमारी बेटी जमाई घर जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि सारी गिफ्टें खोल लेते हैं जब पूरी फैमिली वाले हैं। तो हमने सारे गिफ्ट को इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद सारे गिफ्ट बारी बारी से खोले। बहुत सुंदर गिफ्ट था, तो किसी में नाम था किसी में नाम नहीं था, तो हमने सबको एक साथ धन्यवाद दे दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है। तो चलिए, ये सारी क्लिपें मैंने इकट्ठा करी है एक मोमेंट के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।